नी रिप्लेसमेंट जिसको हम हिंदी में घुटना प्रत्यारोपण या जोड़ बदलने का ऑपरेशन कहते हैं, बहुत ही आधुनिक तरीके का एक सर्जरी है जो आजकल आमतौर पे सीवियर आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट में एक्चुअली सारे घुटने को नहीं बदला जाता है, नी रिप्लेसमेंट में जो खराब हिस्सा होता है जोड़ का, यानी कि ऊपर वाली हड्डी जिसको हम फीवर कहते हैं और नीचे वाली हड्डी जिसको टिबिया कहते हैं, दोनों के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, सरफेस होते हैं जिससे हमारा नॉर्मल नी जॉइंट बनता है, उसका जो हिस्सा ख़राब हो जाता है हम उसको साफ़ करके एक पर्टिकुलर शेप में डिज़ाइन करते हैं और उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा देते हैं बोन सीमेंट की मदद से। सो इसमें आमतौर पर तीन कंपोनेंट होते हैं, एक ऊपर का हिस्सा होता है, एक नीचे का हिस्सा होता है और एक बीच में एक नया प्लास्टिक का मटेरियल डाला जाता है जो कि एक ग्रीस की तरह काम करता है। अगर हम इस मॉडल को देखें, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला हिस्सा एक कंपोनेंट है जो नीचे एक मेटल का हिस्सा दिख रहा है, एक ये नीचे वाली बोन में जाता है और जो बीच में सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है ये एक नया कार्टिलेज या ग्रीस बनाता है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ इन तीनों को ही हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इनफैक्ट अगर इसको हम सही तरीके से बोलें तो ये रीसर्फेसिंग है रादर देन रिप्लेसमेंट। तो नी रिप्लेसमेंट आज के टाइम में जितने भी पेशेंट्स जो कि बहुत सीवियर आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं, जिनके चलने फिरने और डेली एक्टिविटीज़ में उनको आमतौर पर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और जो रूटीन की ट्रीटमेंट है जिसमें दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, गर्म सिकाई, तेल का मालिश, ये सारी चीज़ करने के बावजूद भी अगर उनको घुटनों में दर्द रहता है तो नी रिप्लेसमेंट बहुत ही बेनिफिशियल होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। और आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको बहुत ही जल्दी कर पाते हैं, सेफली कर पाते हैं और पेशेंट्स में आमतौर पर ये घुटना जो हम बदल देते हैं इसकी लाइफ मिनिमम 10 से 20 साल होती है। कुछ कुछ जॉइंट्स की, आजकल आधुनिक जॉइंट्स की लाइफ 20 साल से भी ऊपर होती है। तो नी रिप्लेसमेंट आज के टाइम में एक वरदान है उन पेशेंट्स के लिए जिनको बहुत सीवियर आर्थराइटिस से वो ग्रस्त हैं।